खबर ये भी है, बिजली की अगर बात करें तो एक जोरदार झटका लग सकता है। दरअसल बहुत जल्द ही बिजली को लेकर ये कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगले महीने यानी जुलाई में बिजली की नई दरों को लेकर ऐलान संभावित है। हालांकि बिजली की दरें बढ़ेंगी या नहीं, इसे लेकर आज की बैठक में फैसला हो जाएगा। आज एक बैठक बुलाई गई है, यूपी में नई बिजली दरों को लेकर बड़ी बैठक है। आज विद्युत नियामक आयोग की ये बैठक होने जा रही है, जहां राज्य सलाहकार समिति की बैठक में मंथन होगा। जुलाई में नई बिजली दरों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन ये बिजली दरें बढ़ेंगी या नहीं ये अभी तय नहीं है, ये आज की बैठक में फैसला होगा। जुलाई में नई बिजली दरें आएंगी ये पूरी तरह से संभावित है, लेकिन क्या ये बढ़ी हुई बिजली दरें होंगी या कोई राहत दी जाती है ये देखना होगा। इस बाबत आज एक बैठक बुलाई गई है, जहां विद्युत नियामक आयोग की आज एक बैठक होने जा रही है। और सवाल यही है कि क्या नई बिजली दरों से कोई झटका लगेगा आमजन को या फिर राहत मिलेगी, ये आज की बैठक में फैसला होगा। तो सवाल यही है कि क्या मिलेगी राहत या फिर लगेगा झटका। यूपी में नई बिजली दरों का ऐलान जुलाई में होने वाला है, जहां आज नई बिजली दरों को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। आज विद्युत नियामक आयोग की बैठक होगी और लखनऊ में विद्युत नियामक आयोग की बैठक होने जा रही है। राज्य सलाहकार समिति की बैठक में मंथन किया जाना है। जुलाई में नई बिजली दरों को लेकर ये चर्चा होने जा रही है। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ता है, ऐसे में जुलाई के महीने में क्या इन्हें लगेगा जोरदार झटका या फिर मिलने जा रही है राहत, इस पर सवाल बरकरार है। आज की जो बैठक होगी उसी में ये फैसला लिया जाएगा कि क्या राहत दी जाएगी या झटका दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ इस टीम की बैठक होगी आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि विद्युत नियामक की आज बैठक होने जा रही है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि बिजली का झटका लग सकता है, क्या रहने वाला है आज की बैठक में और कब ये बैठक होने वाली है? देखिए, करीब 11 बजे बैठक शुरू होगी और उपभोक्ता परिषद, जो विद्युत जो उपभोक्ता है उनके हितों की लड़ाई लड़ता है, उपभोक्ता परिषद ने 7% कटौती का एक प्रस्ताव रखा है। और ये कहा है कि विद्युत दरें, चूँकि घरेलू हो या कमर्शियल हो, व्यावसायिक हो, सभी तरह से विद्युत की दरें बढ़ी हैं, बिजली की दरें बढ़ी हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है लाइन लॉस और जो बिजली की कमी है उसकी वजह से, लाइन लॉस की वजह से, बिजली चोरी की वजह से जो संकट पैदा हुए हैं। तो बिजली राजधानी लखनऊ में भी अब ऐसी हालत हो गई है कि बिजली की समस्या आम जनता को, यहाँ पर रहने वाले जो आम लोग हैं उनको तो होती है और वीवीआईपी को भी होने लगी है। इसी बीच अगर ये रेट बढ़ते हैं बिजली के तो और एक बड़ा झटका होगा। आज बैठक होनी है, बैठक में जो पारो कॉरपोरेशन के प्रमुख सचिव हैं, इसके अलावा MD हैं, वो मौजूद रहेंगे। उपभोक्ता परिषद के सदस्य के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जो अवधेश वर्मा हैं वो मौजूद रहेंगे और इस पर चर्चा होगी कि क्या होना चाहिए। परिषद ने ये कहा था कि 7% तक एक जो दर है वो कटौती करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए, लेकिन क्या इस पर चर्चा होगी? चूँकि विभाग के लोग लाइन लॉस और तमाम बड़ी समस्याएं बताकर, ऊर्जा मंत्री ने भी पिछले दिनों कहा था कि बिजली में बाहर से खरीदनी पड़ रही है, और जब खरीदेंगे प्राइवेट कंपनियों से तो ज़्यादा दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है, तो वो दरें ऐसी हैं जो समायोजित नहीं की जा सकती है। ऐसे में आज की बैठक में ये तय होगा कि कौन सा रेट होगा। अगर बढ़ोतरी की जाती है तो कितने प्रतिशत तक की जाती है और क्या उसका असर होगा, क्योंकि उपभोक्ता परिषद के भी लोग रहेंगे, पावर कॉरपोरेशन के लोग रहेंगे और प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके लोग भी रहेंगे। तो एक कुछ तीनों पक्ष बैठ के एक समझौते वाली स्थिति आज लाने की कोशिश की जाएगी कि बिजली की दरें अगर बढ़ानी है तो कितनी बढ़ाई जाएंगी। अगले ही महीने तक बढ़नी है, ये जुलाई में बढ़नी है, प्रस्तावित है। विवेक, तो फिलहाल इंतजार यही किया जा रहा है कि क्या फैसला इस बैठक में होता है। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, आज यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करने जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन यशवंत सिन्हा करेंगे। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत के नामांकन में शामिल होंगे अखिलेश यादव। नामांकन से पहले सुबह 11:30 बजे विपक्षी दलों की एक बैठक भी होगी। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यशवंत सिन्हा करने वाले हैं। सिन्हा के सामने NDA से द्रौपदी मुर्मू चुनावी मैदान में हैं, जो कि 24 जून को अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतगणना होना है और नतीजों की घोषणा 21 जुलाई को हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं राष्ट्रपति पद के लिए और अखिलेश यादव भी उनके नामांकन के दौरान मौजूद।
और चलिए अब ये जान लीजिए कि आखिर यशवंत सिन्हा कौन है विपक्ष के कैंडिडेट। दरअसल बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। 24 साल तक ये प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, राजनीति का लंबा अनुभव है। 1986 में ये जनता पार्टी में आए थे, 1988 में राज्यसभा के सांसद बने थे। चंद्रशेखर की सरकार में ये वित्त मंत्री रह चुके हैं, अटल सरकार में भी वित्त मंत्री का पदभार इन्होंने संभाला था, विदेश मंत्रालय में भी इन्होंने काम किया है और 2018 में भाजपा से ये अलग हुए थे। 2018 में ही भाजपा से अलग होकर इन्होंने TMC ज्वाइन की थी और अब ये विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अविनाश, आज बैठक भी होने वाली है तो बैठक के बारे में भी जानकारी दीजिएगा, साथ ही साथ अपडेट ये भी कीजिएगा कि यशवंत सिन्हा कितने बजे नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो 11 बजे से तमाम सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे और उनकी एक बैठक होगी। उसके बाद 12:15 पर यशवंत सिन्हा अपना नामांकन बतौर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में दाखिल करेंगे। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से, तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव स्वयं दिल्ली पहुँच चुके हैं और इस वक्त वो अपने दिल्ली स्थित आवास में हैं। मैं उनके आवास के घर के बाहर ही खड़ा हूँ, तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अखिलेश यादव अपने घर के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 11:15 करीब वो अपने घर से निकलेंगे और 11 बजे संसद भवन परिसर में पहुँचेंगे और वहाँ जा करके विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो RLD प्रमुख जयंत चौधरी भी यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे और तमाम सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। सूचना ऐसी भी आ रही है कि राहुल गांधी भी नामांकन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और उसके बाद फिर 1:10 पर विजय चौक पर तमाम सारे नेता नामांकन के बाद आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रणनीति के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आगे तमाम सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो अन्य दलों से संपर्क करेंगे ताकि अपने जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के यशवंत सिन्हा उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जा सके। लेकिन नामांकन से पहले तमाम सारे विपक्षी दल के नेता 11 बजे संसद भवन परिसर में एकत्रित होंगे और वहां पर एकत्रित होकर तमाम सारे नेता मंथन करेंगे, आगे राय मशविरा करेंगे कि किस तरीके से आगे अपने जो उम्मीदवार हैं इनको लेकर के तमाम सारे दलों से वोट मांगा जाए। क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति पद का जो अभी बात करें तो NDA की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनके पास पूरी तरीके से मैंडेट है, उनके पास पूरी तरीके से अगर बात करें तो वोटों के आंकड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इसलिए चुनाव लड़ना चाहता है कि ताकि कड़ी टक्कर दे सके, कम से कम मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू को चुनाव जीतने के लिए विवश किया जाए। इसीलिए विपक्ष के तमाम सारे नेता एकत्रित होकर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाए हैं और एकता भी अपनी विपक्ष एक बार दिखाना चाहता है 2024 के चुनाव के पहले। हालांकि इस तरीके से कई बार विपक्ष एकत्रित हुआ है लेकिन जैसे चुनाव आते हैं उस दौरान कभी सीटों को लेकर के बातचीत नहीं बनती है, कभी अगर बात करें विचारों को लेकर के मतभेद हो जाता है। और इस तरीके से अगर देखा गया तो अतीत में कई बार विपक्ष एक होने के बाद भी अलग अलग हुआ है, लेकिन इस बार अभी अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में जरूर एक नजर आ रहा है। संदेश देने की कोशिश है कि 2024 के पहले तमाम तरह विपक्ष एक है लेकिन ये एकता कितनी बरकरार रहती है ये भी देखना होगा। और इस एकता का क्या फायदा इस राष्ट्रपति चुनाव में होता है नहीं ये भी देखना होगा। अविनाश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। और अब बात राष्ट्रपति की भी कर लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वृंदावन का दौरा करेंगे, उनके साथ CM योगी होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगी। महामहिम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मथुरा का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था 7 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित की गई है। जोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी SP स्तर के अधिकारी पर रहेगी जबकि सेक्टर की सुरक्षा CO करेंगे। सभी अधिकारियों को उनके ड्यूटी पॉइंट्स, उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। उनके साथ जो फोर्स आवंटित किया गया है उसकी भी डिटेल बुकलेट के माध्यम से दी गई है। सभी ऑफिसर्स द्वारा अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स को बारीकी से जाकर के उसका मुआयना कर लिया है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट चेक कर लिया है। राष्ट्रपति CM योगी और राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक भी हुई जिसमें अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। देखिए, जो VIP का कुल यहाँ पर आगमन और जो भ्रमण कार्यक्रम है वो 2 घंटे के आसपास का है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम जो है वो कृष्ण कुटीर आश्रम का है। इसी के साथ साथ बांके बिहारी मंदिर की विजिट है। यही 2 कार्यक्रम के साथ साथ जो रूट है उसकी भी तैयारी हमारे द्वारा की गई। मथुरा दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे जिसके बाद वो कृष्ण कुटी आश्रम जाएंगे और बेसहारा महिलाओं के साथ खाना खाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
और चलिए अब बताते हैं कि महामहिम का ये दौरा किस तरीके से बढ़ेगा। आज राष्ट्रपति का वृंदावन का दौरा है, जहां कृष्ण कुटीर आश्रम में ये जाएंगे और इस दौरान वहां रहने वाली माताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे महामहिम। महामहिम के साथ इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति के साथ रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज का दिन वे गुजारने वाले हैं मथुरा में, वृंदावन में। तो अब से थोड़ी ही देर बाद महामहिम रामनाथ कोविंद मथुरा पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके कृष्ण नगरी पहुंचने से पहले हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। रामनाथ कोविंद आज वृंदावन रहेंगे, 2.5 घंटे का उनका प्रोग्राम है और ऐसे में सबसे पहले वो कृष्णा कुटीर के सामने बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद वो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ से रवाना होंगे। उनके साथ उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और अब बस इंतज़ार हो रहा है राष्ट्रपति के आगमन का। तो आप समझ सकते हैं कि सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कृष्णा कुटीर बिल्डिंग है। निराश्रित महिलाओं का कहा जाए बहुत बड़ा ये पनाहगार स्थल है, यानी यहाँ ऐसी कई सारी बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं या निराश्रित महिलाएं यहाँ रहती हैं। भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से ये पूरा कहा जाए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ऐसे में बांके बिहारी मंदिर वो पहुँचेंगे और इसके लिए बांके बिहारी मंदिर को पूरी तरह से कहा जाए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और जब राष्ट्रपति वहाँ पहुँचेंगे वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत होगा, रंग बिरंगे पटके पहनाए जाएंगे, उनका खूब कहा जाए भगवान जो कृष्ण का जो विग्रह है उसको भी बहुत इस तरीके से सजाया गया है जैसे वो राष्ट्रपति के बाल सखा लगें। तो कुल मिला के वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्रपति दोबारा यहाँ पहुँचेंगे और कृष्णा कुटीर में करीब उनका 1 घंटे का कार्यक्रम है, जहाँ वो निराश्रित महिलाओं के संवाद करेंगे, स्वल्पाहार लेंगे और उसके साथ ही वो ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे और करीब 12:15 बजे उनका यहाँ से दिल्ली वापसी प्रस्थान है। तो करीब 2.5 घंटे का ये प्रोग्राम है और ऐसे में अपने कहा जाए उनका जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है जो उसका अंतिम कहा जाए दौर चल रहा है और उसमें वो भगवान कृष्ण बांके बिहारी के दर्शन के लिए आज वो वृंदावन पहुँच रहे हैं। वृंदावन से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और इस वक्त मथुरा से नितिन मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, अपडेट कीजिएगा कब तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये संक्षिप्त कार्यक्रम है, करीब 2.5 घंटे का ये प्रोग्राम है और ऐसे में जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया है उसके मुताबिक 10:45 बजे उनको यहाँ पहुँचना है। कृष्णा कुटीर के सामने 5 हेलीपैड बनाए गए हैं और वहाँ उसमें जाकर वो उनका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। वहाँ अगवानी के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर साहिबा आनंदीबेन पटेल रहेंगी और उसके बाद यहाँ से वो पूरा फ्लीट के जरिए बांके बिहारी मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ 1:45 घंटे वो भगवान बांके बिहारी के चरणों में माथा टेकेंगे और इसके लिए बांके बिहारी मंदिर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत होगा, इसके साथ ही पूरी तरह से फूल बंगला सजाया गया है, देशी विदेशी फूलों से पूरी तरह से मंदिर को सजाया गया है और ऐसा भगवान कृष्ण का विग्रह का श्रृंगार किया गया है जैसे रामनाथ कोविंद यानी जो महामहिम हैं, देश के प्रथम व्यक्ति हैं, पूरी तरह से कहा जाए बाल सखा लगें। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए देखिए हेलीकॉप्टर घूम रहा है, यानी हो सकता है कि ये हेलीकॉप्टर राज्यपाल का हो या मुख्यमंत्री का हो और चूँकि देश के फर्स्ट पर्सन हैं, मोस्ट VVIP पर्सन हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो इसके लिए प्रॉपर पूरा प्रोटोकॉल है और उनका कार्यकाल का अंतिम दौर चल रहा है, नए राष्ट्रपति के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में वो अपने इस कार्यकाल को सफल कार्यकाल के लिए वो प्रभु की शरण में आए हुए हैं और भगवान कृष्ण के लिए उनका जो कहा जाए समर्पण है वो पहले भी देखा जाता रहा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो हेलीपैड है वो बनकर तैयार है। 7 यहाँ SP हैं, सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस, 12 एडिशनल SP, 20 सर्किल ऑफिसर और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का यहाँ कहा जाए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा घेरा है और ऐसे में ये 2.5 घंटे का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में वो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, कृष्णा कुटीर जाएंगे। कृष्णा कुटीर एक ऐसा निराश्रित महिलाओं के लिए कहा जाए एक आश्रय स्थल है, वहाँ जाके वो उन महिलाओं के साथ वो भोजन करेंगे। कि जो हेलीकॉप्टर अभी दिखाई दे रहे हैं वो हो सकता है कि राज्यपाल या फिर CM पे हो सकते हैं, कोई अपडेट है क्या, कोई जानकारी को इस बाबत लेकर?
देखिए मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर पहुँच रहा है, और चूंकि राष्ट्रपति के आगमन से पहले ही उनकी आगवानी के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पहुँचना है, इसलिए ये हेलीकॉप्टर पहुँच चुका है। इस समय हेलीकॉप्टर बिल्कुल हेलीपैड पर लैंड होने वाला है, और दो हेलीकॉप्टर, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी, एक हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री रहेंगे, और तीन हेलीकॉप्टर में जो कहा जाए जो राष्ट्रपति के साथ आते हैं, तो कुल 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय वो तस्वीर, लाइव तस्वीर एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दिख रही है, और इस समय धुएं का जो गुबार उड़ रहा है तो उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से अब एक जो कहा जाए ये मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हो सकता है या राज्यपाल का हो सकता है। मुझे लग रहा है ये मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर होगा, राज्यपाल भी आने वाली होंगी, और उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही हेलीकॉप्टर पहुंचा है सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा अलर्ट है। जोन लेवल के जो ADG जोन आगरा, जो IG रेंज हैं, कमिश्नर आगरा, तमाम NSG कमांडो चूँकि यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो स्पेशल प्रेजिडेंट सिक्योरिटी होती है उसका प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है, एक पूरी तरह से उस सुरक्षा मानकों का पालन करना होता है, और ऐसे में बांके बिहारी मंदिर परिसर के लिए जब वो पहुंचेंगे तो पूरी तरह से कहा जाए मंदिर परिसर केवल उन्हीं के लिए रहेगा, और पूरी तरह से वो बांके बिहारी मंदिर परिसर का जो इलाका है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि देश के प्रथम व्यक्ति यानी रामनाथ कोविंद आज कहा जाए ब्रज नगरी वृंदावन में है, मथुरा में है, मथुरा का जो हिस्सा वृंदावन है, और ऐसे में बांके बिहारी मंदिर हर कोई आता है, चाहे वो देश का एक सामान्य जनता क्यों ना हो या देश का कंट्री हेड क्यों ना हो, तो भगवान बांके बिहारी के प्रति जो कहा जाए जो उनका समर्पण है, जो आस्था है, वो रामनाथ कोविंद की भी देखते ही बनती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हेलीकॉप्टर है वो इस समय कहा जाए हेलीपैड पर लैंड कर चुका है, और थोड़ी ही देर में मुझे लग रहा है कि इसमें शायद मुख्यमंत्री की अगवानी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ही उनको प्रेजिडेंट को रिसीव करेंगे, और उसके बाद देखिए काफिला है जो उनका फ्लीट है वो आगे बढ़ने लगी है, और जैसे ही जो कहा जाए बिल्कुल स्टेबल होगा हेलीकॉप्टर उसके बाद वो यहाँ से उतरेंगे, और उसके बाद वो जब तक राष्ट्रपति यहाँ नहीं आते वो यहीं कहा जाए जो पूरी तरह से केबिन बनाई गई हैं, अस्थाई केबिन बनाई गई हैं जो पूरी तरह से हेलीपैड पर, वहाँ वो रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो आगवानी के लिए पहुँच गए हैं, मुख्यमंत्री की जो तमाम जो फ्लीट है वो भी पहुँच गई है। तो ऐसे में ये 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, करीब 45 मिनट मंदिर परिसर में प्रोग्राम है, और देखिए मुख्यमंत्री जो हम कह रहे थे कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री यहाँ सबसे पहले पहुँचेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में जो आनंदीबेन पटेल हैं, देखिए आनंदीबेन पटेल, देखिए तस्वीरों के जरिए अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहा हूँ, और थोड़ी देर में अब राष्ट्रपति का 10:15 बजे का यहाँ प्रोग्राम है, तो बस अब जो समय जा रहा है वो जा रहा है कोई 8:30 बजे से जो पालम एयरपोर्ट से उनका जो यहाँ अराइवल का जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया हुआ है, तो उसी क्रम में सिक्योरिटी के तमाम जो मानक हैं उसको फॉलो करते हुए पूरा प्रोग्राम है, 2.5 घंटे का संक्षिप्त प्रोग्राम है, क्योंकि जुलाई महीने में ही जो कहा जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और ऐसे में 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है एक सफल कार्यकाल रहा है, और ऐसे में उस कार्यकाल को कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए उनके चरणों में श्रद्धान्वित होते हुए आज राष्ट्रपति वो आज बांके बिहारी के सरजमी पर आ रहे हैं, भगवान कृष्ण की कहा जाए धरती पर आ रहे हैं। और इस समय जो तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्णा कुटीर के सामने जो हेलीपैड है वहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ से पूरी एक कहा जाए एक गाड़ियों का जो काफिला है, फ्लीट है, वो यहाँ से रवाना होगी, और करीब 10:15 बजे बांके बिहारी मंदिर परिसर में पहुँचने का कार्यक्रम है, जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, जो तय प्रोग्राम है। तो कुल मिला के बांके बिहारी मंदिर में जब रामनाथ कोविंद पहुँचेंगे तो वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत होगा, देशी विदेशी फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, और ऐसे में उनको कहा जाए जो प्रसादी दी जाएगी भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित, उसको वो उस प्रसादी को वो ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही तमाम रंग बिरंगे जो पटके उनको पहनाए जाएंगे राष्ट्रपति महोदय को, और ये सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि भगवान कृष्ण का जो विग्रह है उनका इस तरह से श्रृंगार किया गया है, इतना मनमोहक श्रृंगार किया गया है जैसे मानो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाल सखा हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ब्रज की जो कहा जाए लोक परंपराओं का ध्यान रखते हुए, और इस पूरे कार्यक्रम को कहा जाए इसको फॉलो किया जाएगा, और उसके बाद
कृष्णा कुटीर रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और रामनाथ कोविंद यहां करीब एक घंटा वो तमाम निराश्रित महिलाओं के साथ बिताएंगे। और बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, कानपुर में हिंसा और बवाल का ये मामला है। फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा को क्लीन चिट देने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। 2019 और 2020 में क्लीन चिट दिया गया था और देखिए प्रशासनिक अमला जो है इस मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त पाया गया था और इसी मामले में उन अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। फायर से हटा दिया गया था नाम, बजरिया थाने का यह मामला बताया जाता है और पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने जांच के आदेश दिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, 2021 का यह मामला कानपुर में हिंसा और बवाल का मामला है और मुख्तार बाबा को क्लीन चिट देने वाले अफसरों पर कार्रवाई संभव है। अफसरों पर पुलिस की नजर टेढ़ी हुई है और गाज गिर सकती है उन अफसरों पर जिन्होंने 2021 में बजरिया थाने में दर्ज हुई एफआईआर से नाम हटा दिया था। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने जांच के आदेश दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।